विगत 16 जनवरी को हुए एक हत्याकांड में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें उस घटनाक्रम में घटनास्थल पर गोली चलाने वाले एक महत्वपूर्ण आरोपी, जो सबसे प्रमुख आरोपी है, जिसने फुटेज जो देखा गया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसे लौट करके दोबारा फायर किया, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य तौर पर इससे घटना की जो बाकी कड़ियां हैं, उस उन कड़ियों के साथ ही कड़ी में पूरी तरीके से सारी जानकारियों का भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, एक दूसरे की सारी कड़ियां पूरक रूप में उभर के सामने आ रही है। मुख्य तौर पर इस घटना के पीछे इन लोगों की 31 दिसंबर को यहाँ पर एक बैठक हुई थी, जो कि चकाचक के उस फॉर्म हाउस में हुई थी, जो पहली इनकी बड़ी बैठक थी, और उसके बाद इस घटना को अंतिम रूप देने के लिए इस व्यक्ति को, जिसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 11 जनवरी को इनकी बैठक हुई, जिस घटना को अंतिम रूप से इन लोगों ने प्लान किया, एक्सपूट करने का फैसला किया, जिसमें 5 से 6 लोग थे और उन लोगों ने उस बैठक में तय किया। इस बैठक में इन्हें 50,000 रुपये मिलने की बात भी, जो व्यक्ति जिसने हत्या की है उसने स्वीकार किया है। जिस बैठक में मुख्य तौर पर वहाँ पर सुधाकर राव और रोहित सेठी की भी उपस्थिति थी, रोहित सेठी के द्वारा इसको पैसे देने के बाद इसने एक्सेप्ट किया कि 50,000 रुपया सुधाकर राव के कहने पर इसने इसे मिले थे। इसका एक दूसरा आरोपी भी है, जो बना करके है, जो दूसरा आरोपी को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उसकी अभी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस की चूंकि कई टीमें थी पैरेलली जो काम कर रही थी, जिसमें टेक्निकल टीम थी जो ग्राउंड लेवल से जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, और पुलिस की अलग अलग टीमों ने काम किया, और सभी टीमों के साथ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ये सारी गिरफ्तारी और सारी जो कार्रवाई है की जा रही है। इस आरोपी ने भी पूरे घटनाक्रम की पूरी तरीके से स्वीकार किया है, और घटनाक्रम में जो बाकी तथ्य हैं उससे इसके सारे चीज़ें 100% उससे संपूरक रूप में आ रही हैं, सामने मेल खा रही हैं। इस पूरे घटना में पुलिस ने एक और नए आरोपी को उसमें चिन्हित किया है, जो सारे आरोपियों से पूछताछ में, इसमें कालू शर्मा नाम के एक व्यक्ति, जिसकी जो उज्जैन का रहने वाला है, इस पूरे मामले में उसकी जिन जगहों पर घटना हुई और घटना के साथ साथ इस प्लानिंग में उसकी उपस्थिति को नोटिस किया गया है, लगातार इस षड्यंत्र में वो सुमार रहा है, शामिल रहा है। साथ ही साथ पुलिस अभी इसमें भागे हुए कुछ दो तीन आरोपी हैं उनको चिन्हित करके, और पुलिस का जोर इस बात पर भी है कि घटनाक्रम में जो भी आरोपियों की मदद करेगा उसे 212 IPC में उसे सह अभियुक्त बनाया जाएगा, और पुलिस इसके लिए भी उन आरोपियों के नाम को चिन्हित कर रही है। सर, क्या कारण रहा है इसमें रोहित सेठी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई? इसमें पुलिस की टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही है, इसमें लगातार 4 में 19 करोड़ के लेन देन से संबंधित विवाद उभर करके सामने आया था, और उसके कारण ये जो भी घटना हुई इसमें हुई, लेकिन पुलिस इससे जुड़े अन्य जो बहुत सारे जो तकनीकी कारण हैं या इनके जो विवाद हैं उस पर भी गहराई से कर रही है। और मुख्य तौर पर पुलिस का आगे जो जोर है कि जो भी आरोपी जो कुछ इसे भागे हुए हैं, 5 आरोपी जैसा हम जानते हैं अभी तक गिरफ्तारी, इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी है, इसके अलावा जो कुछ आरोपी बचे हैं, और फिर एक और आरोपी को आज नाम बढ़ाया गया है, इसके अलावा आने वाले दिनों में पुलिस अब जो आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी फोकस करेगी, और आने वाले दिनों में कुछ और नाम बढ़ सकते हैं। ये रोहित सेठी पर सर कोई और भी केस दर्ज हुआ है? कौन-कौन से बढ़े हैं? आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, इसमें संरक्षण पकड़े जाने के बाद मुख्य तौर पर जब वेरिफिकेशन होगा। सर, रोहित सेठी के खिलाफ क्या और भी कोई केस रजिस्टर्ड किया गया है? अभी उस मामले में कुछ तकनीकी जानकारियां जुटा करके पुलिस उस मामले में भी जो अनियमितताएं हैं उसमें कार्रवाई कर रही है। सर, यही बात अभी सामने आई थी कि इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक संरक्षण की भी बात सर सामने आई थी, तो इस बारे में कुछ बात का खुलासा किया है किसी पार्टी के विशेष नाम पर? नहीं, अभी तक ऐसे किसी संरक्षण की बात नहीं। पुलिस मुख्य तौर पर आरोपियों को काफी सरगर्मी से तलाश कर रही है, जगह जगह हम पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही कई टीमें, एक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा टीमें अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रही, और पुलिस पूरी अपनी सक्रियता के साथ, पूरी अपनी जो व्यावसायिक क्षमता है उसके अनुसार उसमें कार्रवाई कर रही है, और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का जो आउटलाइन था, घटना की जो पूरे छिपी हुई कड़ियाँ थी उनको जोड़ लिया था, उसको स्पष्ट कर दिया था, और 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। कुछ इसमें जो एक दो गिरफ्तारियाँ हैं उस शेष हैं, उसमें पुलिस पूरी तरह से प्रयासरत है, और उम्मीद है कि हम जल्द ही उन आरोपियों को भी जो अभी तक बच रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर। सर, रोहित पकड़ने क्यों नहीं आ पा रहा? पुलिस उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हम उसे पकड़ लें। सर, इनाम की घोषणा किया था सभी आरोपियों पे, इसमें 20,000 का इनाम घोषित किया गया था, इस पर भी घोषित किया गया था। पूर्व में चुकी है महत्वपूर्ण रूप से उसके
एक भाड़े के हत्यारे के रूप में काम कर रहा था, तो इस घटनाक्रम में उसकी भूमिका चिन्हित की गई थी। शुरू में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में जब गुमराह ठकाने की कोशिश की थी तो इसमें एक जो मुख्य पदाधिकारियों में से एक व्यक्ति ने इसमें जो नाम बताए थे वो गलत नाम बताए थे। उसमें दो ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो कि लंबे समय से घर से बाहर थे और उनके नाम को उसने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पास, चूँकि पुलिस पैरेलली तीन से चार अलग अलग टीमें काम कर रही थी जो अलग अलग स्रोतों के आधार पर काम कर रही थी, उनसे जब पूरी चीज़ें वेरीफाई हो गई तो अगले 24 घंटों में फिर पुलिस ने सही नामों का और सही आरोपियों का खुलासा कर लिया था। अभी पुलिस का पूरा फोकस जो आरोपी जो बचे हैं उनके कार्रवाई। सर, एक तो इस घटना का मॉडस ऑपरेंडी अब तक की जांच में क्या क्लियर हो पाया, दूसरा एडीजी साहब को लेकर क्या हुआ? साहब, पूर्व एडीजी साहब जो थे उनके की सुपारी उठाने की बात आई सामने, क्या इसमें जो पूरे पूछताछ में जो बात आई है, इसने दो बार अभी तक पूछताछ में पैसे लेने की बात स्वीकारी है। इसको 31 दिसंबर को 48,000 मिले थे और जो 11 जनवरी की जो बैठक थी उसमें इसे लगभग 50,000 रुपये इसको मिले थे। इन दोनों पैसों के अलावा इन लोगों के पास दो शर्त इनके सामने रखी गई थी जो मुख्तौर पर पूरे घटना के जो षड्यंत्रकारी थे उन लोगों ने रखा था कि इस घटनाक्रम में ऊपर की सीढ़ी के जो दो लोग थे, यानी कि ऊपर की सीढ़ी पर यानी कि जो षड्यंत्रकारी के रूप में जिन्होंने पैसे दिए उसका नाम गलत बताएं और नीचे शूटर्स के नाम अगर नहीं आते हैं तो फिर इनको अगर उस बात को ये छुपा ले जाते हैं या पुलिस को गुमराह कर देते हैं तो फिर इनको बड़ी रकम मिलने की संभावना थी। लेकिन चूंकि घटनाक्रम में सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ ली हैं, तो इसमें अब आगे मिलता है अभी भविष्य की बात रह गई, लेकिन निश्चित तौर पर इनको अभी 98,000 रुपये मिलने की बात इसने एक्सेप्ट की। सर, तार्जन जो है नाम बदलता था तो क्या घटना के तारतम के हिसाब से बदलता था, जैसे दोबारा आया गोली मारी ऐसे करके तो टार्जन स्टाइल में मर्डर करा इसलिए टार्जन नाम रखता था? मुख्य तौर पे इस व्यक्ति की जब पुलिस ने पड़ताल की तो ये 5 वर्षों से जो मुख्य जो षड्यंत्रकारी है उसके साथ ये रहा है, सुधाकर राव के साथ, पहले कुछ दिनों तक ड्राइवर के रूप में रहा है, फिर कुछ दिनों तक उसके डोडा चूरा की कोई दुकान थी मंदसौर में वहाँ पर गार्ड के रूप में रहता था और साथ ही साथ इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में पहले भी संलग्न रहा है। पहले इसके ऊपर 4 से 5 मामले अलग अलग जगहों पर कायम है जिसमें फायरिंग संबंधी मामले और मुख्य तौर पर डराने धमकाने के लिए उसके कहने पर ही की गई ऐसी घटनाएं इसमें शामिल हैं। तो पुलिस ने वर्तमान में फिलहाल अभी जो रणनीति और वर्तमान जो पूरा ऑपरेशन चला उसमें भी पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, लगातार इसमें 6 से 7 टीमें उसके पीछे लगी थी जब उसको चिन्हित कर लिया गया था और अंततः उसको कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी सुदूर जगह से, सागर के पास एक सुदूर जगह से उसे पकड़ा गया था। सर, इसमें पूरे घटनाक्रम में कितने दिन रेकी की, यहाँ रुके और मारने वाले दिन का पूरा इनका क्या पता है? इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे खास बात है कि कोई भी आरोपी शहर में नहीं रुका था और मतलब पिछले 4 दिनों से आरोपियों ने इस बात पे खास बात पर जोर दिया कि पूरे घटनाक्रम में कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे सड़क के जो कैमरे लगे हों कैमरों से बचा जा सके। उसमें स्थानीय कुछ आरोपी हैं जिनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें योगेश्वर सोमू नाम के जो दो आरोपी हैं जिन्हें पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो स्थानीय थे और उन्होंने यहाँ पर उन जगहों को चिन्हित करने में, उन रास्तों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई जिससे आसानी से बच सकें। इसलिए पुलिस के लिए शुरुआती 24 घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण थे जिसमें पुलिस के किसी भी CCTV में जो कि सड़क के थे इनके फुटेज उसमें शहर के अंदर नहीं आए थे, किसी भी होटल में इनका रुकना नहीं पाया गया था। पुलिस ने फिर बाकी अपनी जो इनके पास जो जानकारी थी, जो तकनीकी साक्ष्य थे उसके आधार पर काम करना शुरू किया और अंततः इनको घर दबोचा गया है। घटना के 4 दिन पहले से लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग में इनकी योजना थी कि किसी भी तरीके से इनको फेसबुक से फोटोग्राफ उपलब्ध कराए गए थे, साथ ही साथ कुछ लोग थे जो लगातार उसके बारे में ब्रीफ करके और दिखा चुके थे। घटना के दिन इनको तय किया गया कि उसी दिन इन्हें किसी हर हालत में वो घटना करनी है। इन लोगों ने सभी जगहों का काफ़ी विस्तार के साथ सर्वे किया था, मुआयना किया था जिसमें घर और दुकान दोनों चीज़ें शामिल थी। घटना के लगभग 3 से 4 घंटे पूर्व से लगातार उस जगह की निगरानी कर रहे थे जहाँ पे इन्हें था कि अगर मौका मिलते इस घटनाक्रम को अंजाम दें। शाम होते ही जैसे कि थोड़ा अंधेरा हुआ और शायद इन्हें अंदेशा था कि उस अंधेरे का फायदा उठा करके प्रारंभिक तौर पर ये बच जाएंगे, इन्होंने इस घटना को तत्काल अंजाम दिया और उसके बाद ये पूर्व निर्धारित रास्ते से, जिस रास्ते में हम लोगों ने देखा कि रास्ते वो काफ़ी गलियों से होकर के थे और मुख्य सड़क से बच करके थे, उन रास्तों से बच निकले क्योंकि पुलिस ने तत्काल सभी जगहों पर घेराबंदी की थी।
लेकिन उस घेराबंदी से बचते हुए ये दूसरे सड़क के बाहर निकले, वहां गाड़ी को छोड़ कर वहां से एक बस के माध्यम से होते हुए आरोपी देवास चले गए। सर, सुशील बजाज की कोई भूमिका अभी तक आई है? अभी इसमें सीधे प्रत्यक्ष तौर पर अभी भूमिका सामने नहीं आई, लेकिन पूछताछ जारी है। पुलिस अभी उसमें यफ और नो, अभी नो भी क्लीन चिट भी नहीं दिया गया है। अभी कुछ आरोपियों को पकड़े जाने के बाद उस पूरे मामले पे, उस बिंदु पे अभी पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। कागज जब्त किए थे, कितने बड़े लेन देन उसमें मिले सर, जो कागज जब्त हुए थे ऑफिस से? कागज अभी व्यापक स्तर पर जब्त किए गए हैं, सील बंद किए गए हैं। उन कागजों को, चूंकि वो वित्तीय लेन देन से संबंधित है, तो संबंधित जो वित्तीय एजेंसियां हैं, जो दूसरी एजेंसियां हैं जो वित्तीय अनियमितताओं और इस तरह की घटनाओं की जांच करती हैं, उन्हें उन कागजों को भेजा जाएगा। सर, ये सुधाकर मराठों कितने पैसे मिलेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? शुरुआत में अभी तक जो अलग अलग इसमें बयानों में जो आया है, लगभग 10 लाख रुपए तक की बात उसमें सेफ की है। लेकिन ये हो सकता है कि घटना के देने के बाद अभी अभी जो अलग अलग किस्तों में जो रकम दी गई उससे इस बात की पुष्टि हुई है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इस घटना में, चूंकि इस घटनाक्रम के मुख्य जोर था कि जिस व्यक्ति ने घटना कराई उसकी पहचान उजागर न हो, घटनाक्रम को गुमराह किया जा सके और अंतिम छोर पर तक वो बचे रह सकें, इस बात में पूरे घटनाक्रम में जोर था। तो चूंकि घटनाक्रम में पूरी तरह से खुलासा हो चुका और बाकी पैसे का इसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। कालू शर्मा का क्या रोल है सर इसमें? कालू शर्मा जो कि उज्जैन का रहने वाला है, उसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं इस घटनाक्रम के दौरान। जितने भी घटनास्थल हैं वहाँ लगातार इनकी उपस्थिति, लगातार आरोपियों के साथ संबंध, घटनाक्रम को प्लान करने में जितनी जगह मीटिंग्स और बाकी जगहों पे लगातार इसमें इनकी मदद करते जाना, और घटना के समय भी, घटना के वक्त भी वहाँ उपस्थिति और तमाम चीज़ों में एक रहना, यानी पूरे घटनाक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, एक्सक्यूट करने में इस व्यक्ति की भूमिका जो प्रमुख कुछ लोग हैं उसमें उभर के सामने आई। सर, केबल से जुड़ा विवाद, कई तरह के लोग जिन्हें इस तरह की एजेंसी दी गई, सुधाकर राव मराठा भी इनमें से एक, क्या स्थिति लिंक अब तक कर पाए इसके अंदर? क्या इस तरह के असामाजिक तत्व को ज्यादा खुलासा किया है और आपके आगे आने वाले समय में अगर कोई नए तथ्य आते हैं तो आपसे साझा किया जाए।